पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में विश्व विकलांग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुरादाबाद के विकास भवन पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व उनकी सुविधा अनुसार मदद पहुंचाने के लिए काम किया गया। मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन के साथ MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस ने पहुंचकर सभी को विश्वास दिलाया कि सरकार हमेशा आपके साथ है। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम विकास भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सदस्य विधान परिषद एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दिव्यांगजनों का आवश्यक सहायक उपकरण ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी एवं कान की मशीन का वितरण करते हुए उनके हितार्थ सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने के निर्देश दिए। आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जनपद के पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम सहायक उपकरण योजना अंतर्गत 50 ट्राईसाइकिल, 6 व्हीलचेयर, 4 कान की मशीन एवं 15 जोड़े बैसाखियों का वितरण किया गया एवं पूर्व में जनपद के विभिन्न विकास खंडों में कुल 250 ट्राईसाइकिल, 20 व्हीलचेयर, 25 जोड़े बैसाखी एवं 4 कान की मशीन का वितरण किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 100% मतदान करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा 100% मतदान, मतदाता शपथ दिलाकर अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान करते हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। नीतिमान निगम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया कि न्याय विभाग भी आपके सहयोगार्थ सदैव तत्पर है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीतिमान निगम, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, जिला विकास अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर अनुज अग्रवाल एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुनील कुमार सिंह एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कर्मचारी गण वीनू सिंह यादव, शिवम चौहान आदि उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं सभी जनपद के दिव्यांगजन को बधाई देता हूँ। और जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट हैं उनके सहयोग से दिव्यांगजन से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं उससे उनको लाभान्वित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और लगभग हम लोग सैचुरेशन की ओर हैं। हमारे जनपद में सभी दिव्यांगजन के लगभग राशन कार्ड बन चुके हैं। जितने भी पेंशनर पात्र थे उनको पेंशन ऑलरेडी 500 रुपये हर महीने दी जा रही है। आज दिव्यांगजन दिवस के इस अवसर पर हम लोगों ने विगत दो अक्टूबर से ही कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की थी। आज विकास भवन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें 200 ट्राईसिकल पूर्व में और 50 ट्राईसिकल आज दी गई है। कुल 250 ट्राईसिकल दी जा चुकी है। इसके अलावा 26 व्हील चेयर दिया गया है, हियरिंग पैड 7 दिए गए हैं और वैसाखी 40 दी गई है। और इसके अलावा जो भी दिव्यांगजन आए थे उन सबसे जानकारी प्राप्त की गई कि उनके पास राशन कार्ड है या नहीं है, पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, रोडवेज की बसों में यात्रा करने में कोई असुविधा तो नहीं होती है, उनका फीडबैक लिया गया। कुछ लोगों के फीडबैक सुझावात्मक आए हैं जिस पर कार्रवाई की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जो दिव्यांगजन हैं, जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप ये निश्चित रूप से इन प्रयासों से मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। और आज एक चीज दिव्यांगजनों को और अवगत कराएगी कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने भी निर्णय लिया है कि जो दिव्यांगजन अपने पोस्टल वोट का उपयोग करना चाहेंगे उसकी भी सुविधा दी जाएगी। इस तथ्य से भी दिव्यांगजन को अवगत कराया गया है। जैसे ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होगी एक सप्ताह के अंदर BLO उनके पास जाएंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप पोस्टल के माध्यम से वोट देना चाहते हैं या बूथ पर जाकर देना चाहते हैं। अगर वो पोस्टल के माध्यम से देना चाहेंगे तो उनको पोस्टल मतपत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से एक नई व्यवस्था की है।